हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में प्रयाग आम्रे की न्यू वेब सीरीज सिस्कैन सीजन 3 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाती है घर के सारे लोग ड्राइंग रूम पे है। उसी टाइम प्रयाग आम्रे अपने हस्बैंड के साथ एक मिठाई की पैकेट लेकर आती है और प्रयाग आम्रे मिठाई की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए मिठाई बांटना शुरू कर देती है। और ये सब देख के निर्मलाविका की हस्बैंड निर्मलाविका को लेकर रूम पे आती है और निर्मलाविका की हस्बैंड गुस्सा होकर उससे पूछता है क्या है ये सब। निर्मलाविका उसे धीरे से समझाता है ये छोटू की दादा और भाभी है तो छोटू का भी तो कोई हक बनता है और वो दोनों यहाँ पे रहती है तो घर के सारे काम काज में हाथ तो जरूर बटोरेंगे ना। इस तरह से निर्मलाविका अपनी हस्बैंड को समझा देती है। अगले ही दिन निर्मलाविका जब सब्जी काटती है तो प्रयाग आम्रे उसे काटने नहीं देती है और उससे लेकर बोलती है ये काम मैं करती हूँ, आप क्यों करूंगी खामोखा। दूसरे तरफ निर्मलाविका जब कपड़ सुखाने के लिए जाती है तो प्रयाग आम्रे की हस्बैंड उससे बाल्टी छीनना चाहती है लेकिन निर्मलाविका उसे देने के लिए राजी नहीं होती है। प्रयाग आम्रे की हस्बैंड निर्मलाविका के पीछे आते हुए निर्मलाविका को गंदी नजर से दिखता है और उसे गंदी गंदी इशारा भी करती है और ये चीज निर्मलाविका बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। उसी दिन निर्मलाविका की हस्बैंड जब ऑफिस से आती है प्रयाग आम्रे उसकी बॉडी पार्ट को दिखाते हुए और गंदी इशारों के साथ उसे पानी पिलाती है। अगले ही दिन सुबह प्रयाग आम्रे निर्मलाविका की ससुर बाबूजी को अपने बॉडी पार्ट दिखाते हुए योगा करती है। बाबूजी नयन सुख लेते हुए प्रयाग आम्रे के साथ इमेजिनेशन में बहुत सारा एंजॉय करती है और इसे मिस नहीं करना चाहिए। प्रयाग आम्रे की आवाज से बाबूजी की इमेजिनेशन टूटता है और प्रयाग आम्रे बोलती है हमें बस कुछ ही दिन टाइम दे दीजिए, उसके बाद आप भी हमारी तरह कसरत करने लगेंगे। प्रयाग आम्रे की ये बात सुनते हुए बाबूजी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है अगर तुम चाहो तो हम भी कसरत करेंगे, तुम सिखा देती हो तो। प्रयाग आम्रे बोलती है तुम्हारी दवाई भी हम देंगे और तुम्हारी इलाज भी हम करेंगे, सारे इलाज की दवा है हमारे पास। उसी टाइम निर्मलाविका आती है और बोलती है बाबूजी आप एक्सरसाइज करेंगे। प्रयाग आम्रे बोलती है आप देखना भाभी जी बाबूजी की पाव में इतना ताकत आ जाएगी कि वो दौड़ने लगेंगे। तो निर्मलाविका खुश होकर बोलती है ये तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन ताकत के लिए सुबह का नाश्ता बहुत ही जरूरी है। तो नाश्ता के नाम सुनने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाती है और दोनों की आंखों में बात होती रहती है। तो उसी टाइम निर्मलाविका भी सोचती है कि प्रयाग आम्रे सच में इतनी अच्छी है या अच्छी होने की नाटक कर रही है, इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। चलिए बाबूजी नाश्ता का टाइम हो गया ये बोल के निर्मलाविका बाबूजी को लेकर जाती है। नाश्ता के बाद निर्मलाविका बाथरूम पे नहाती है। निर्मलाविका की हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार होते हुए सोचता है कि शायद बाथरूम पे निर्मलाविका है इसलिए वो बाथरूम पे जाती है लेकिन जाने के बाद प्रयाग आम्रे को नहाते हुए देखती है तो गुस्सा होकर बाथरूम से चली आती है और निर्मलाविका को बुला के बोलती है इसे इस बाथरूम पे आने की परमिशन किसने दिया। तो निर्मलाविका बोलती है कि बाहर की नाल खराब हो गई है तो इसलिए मैंने बोला था कि इस बाथरूम पे नहाने के लिए। उसकी पति बोलती है थोड़ी देर बाद नहा लेता तो क्या होता और बाथरूम की डोर भी तो बंद करना चाहिए। निर्मलाविका बोलती है शीला प्रयाग आम्रे मंदिर जाना चाहती है तो मैं उसे बोला कि यहाँ पे नहा लो। निर्मलाविका की हस्बैंड गुस्सा होकर ऑफिस चला जाती है। इस घटना के बाद छोटू और प्रयाग आम्रे की हस्बैंड दोनों मिलकर गाड़ी सफाई करती है तो छोटू गाड़ी सफाई करते हुए बोलती है छोटी साहब की गाड़ी है तो अच्छे से सफाई करना, मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ। शीला प्रयाग आम्रे की हस्बैंड बोलती है ठीक है जाओ एकदम चकाचक सफाई कर दूंगा गाड़ी को मैं। तो प्रयाग आम्रे की हस्बैंड की बॉडी पे कोई भी शर्ट या टी शर्ट नहीं थे तो निर्मलाविका प्रयाग आम्रे की हस्बैंड की बॉडी देखने के बाद उसकी दीवाना हो जाती है और उसके साथ इमेजिनेशन में बहुत सारा एंजॉय करती है। उसी दिन रात पे बाबूजी मैरी के नाम से पुकार रही थी और ये सुनने के बाद प्रयाग आम्रे बाबूजी के पास आती है। बाबूजी बोलती है कल से पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है तो मैरी को एक बार बुला दो। प्रयाग आम्रे बोलती है हम मैरी फरी नहीं जानती है, आपकी पाँव में जो दर्द है उसके लिए सही दवा और सही मालिश की जरूरत है। बाबूजी बोलती है इसके लिए तो मैरी रोज दवाई लगाती है, वो लगाते होंगे कोई अंग्रेजी दवाई और इसके लिए चाहिए देसी दवाई और देसी तेल, आप देखेंगे हम ऐसा मालिश करेंगे कि एक ही झटका में आपकी दर्द उड़ानसू हो जाएंगे, आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। प्रयाग आम्रे दवाई और तेल आनने के बाद बाबूजी की पाँव में और सारी शरीर में उसे मालिश करना शुरू कर देती है। अगले ही दिन सुबह मैरी बाबूजी की नाश्ता लेकर आती है और बाबूजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और बोलती है बाबूजी आप हर बार बहुत ही सस्ते में छूट जाती हो, इस बार आपसे बहुत कुछ लूंगा मैं। बाबूजी थोड़ा गंभीरता से बोलती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है मैरी। मैरी बोलती है शायद आपकी मूड ठीक नहीं है, आपकी मूड सही करने के लिए बहुत सारा तरकीब है अभी भी मेरे पास। बाबूजी बोलती है और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है
तुम्हारा काम इस घर पे खत्म हो चुकी है। ये सुनने के बाद मैरी थोड़ा सा जग जाती है। मैरी बोलती है मैं समझा नहीं, बाबूजी बोलती है इस घर पे तुम्हारी काम खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो, गुड बाय मैरी। ठीक है मैं संजय को बुलाकर लाती हूँ, ये बोल के मैरी संजय के पास जाती है संजय को बुलाने के लिए। संजय आके बाबूजी से पूछता है आप मैरी को निकल जाने के लिए कहा, बाबूजी बोलती है हाँ सही सुना। संजय बोलती है लेकिन क्यों, वो एक पढ़ी लिखी नर्स है, वो आपकी तबीयत की सही तरह से ध्यान रख पाएगी, और आप ऐसे ही उठपटंग लड़के के लिए उसे जाने का ही रही हो, आप उसे ऐसा ही नहीं निकाल सकती हो बाबूजी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे खुश करने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लो, हम तुम्हारा बाप है, तुम मेरा बाप नहीं हो। संजय बोलती है मैरी का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। बाबूजी बोलती है मैरी को यहाँ पे होना किसके लिए जरूरी है ये मुझे पता है, तुम्हारी और मैरी के अंदर क्या चल रही है ये मुझे पता है, अगर तुम चाहो ये बात रेनू आई मीन निर्मलमिका नहीं जाने तो उसे जाने के लिए कहो। संजय मैरी को कहती है बाबूजी ठीक कह रही है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और प्रिया गामरे पीछे से मुस्कुराती है। उस दिन रात में संजय अपनी वाइफ रेनू आई मीन निर्मलाबिका के साथ बहुत सारा एंजॉय करती है, और वो दोनों को एंजॉय करते हुए प्रिया गामरे की पति देख लेती है, और प्रिया गामरे की पति को भी रेनू देख लेती है। अगले ही दिन सुबह रेनू बाबूजी को खाना खिलाने के लिए जाती है, लेकिन बाबूजी खाना खाने के लिए राजी नहीं होती है। उसी टाइम प्रिया गामरे आती है और निर्मलाबिका को बोलती है क्यों भाभी जी बाबूजी को जबरदस्ती कर रही हो, बाबूजी की खाने का मन नहीं है ना। प्रिया गामरे अपनी बातों से कन्विंस करके बाबूजी को खाना खिलाने के लिए राजी कर लेती है। तो प्रिया गामरे बाबूजी को खाना खिलाती है और निर्मलाबिका घर की दूसरे काम करने के लिए चला जाती है। खाना खिलाने के बाद बाबूजी और प्रिया गामरे दोनों मिलकर बहुत सारा एंजॉय करती है। प्रिया गामरे संजय को ऑफिस जाते हुए देखने के बाद बोलती है हमें भी लेकर चलो ना। संजय पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है। प्रिया गामरे बोलती है बाबूजी के लिए जड़ी बूटी और दवाई लेने के लिए, ये देखो भाभी जी ने मुझे पैसा भी दिया है। तो संजय उसे ले जाने के लिए राजी नहीं होती है। अचानक संजय प्रिया गामरे की पूरी बॉडी को घूटते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम्हें रिक्शा पकड़ कर ही घर पे आना है, और प्रिया गामरे इसे राजी हो जाती है। प्रिया गामरे और संजय चले जाने के बाद निर्मलाबिका राजू के साथ बहुत सारा एंजॉय करती है। अगले ही दिन प्रिया गामरे जब सो रही थी तब राजू आके उसको उठा देती है। उठने के बाद प्रिया गामरे राजू के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है, और उसी टाइम उसकी पति भी आती है। प्रिया गामरे की पति और राजू प्रिया गामरे को सीड्यूस करते हुए अपने प्लान के बारे में बात कर रही थी, और उसी टाइम रेनू आई मीन निर्मलाबिका भी उन तीनों की बात सुन लेता है। रेनू को ये पता चलता है कि ये तीन लोग कुछ बड़ा सा प्लान करके इस घर पे आया है, और राजू के साथ ये दोनों की कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रिया गामरे अपनी पति और राजू को ये भी बोलता है कि रेनू बड़ा चालाक है, उससे थोड़ा बच के रहना। ये सब प्लान की बारे में चर्चा करते हुए प्रिया गामरे उसके हस्बैंड और राजू के साथ बहुत सारा एंजॉय करती है। दोस्तों आज की इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।